क्योंकि विद्यालय के समय में चाहे शिक्षक हो चाहे विद्यार्थी हो उसको मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमने सरकार की तरफ से विभाग की तरफ से एक सर्कुलर भी निकाला है कि शिक्षकगण जो भी जाए वो मोबाइल पीओ के यहाँ प्रधानाचार्य या प्रिंसिपल या एचएम के यहाँ जमा कराएं, इंटरवेल में अति आवश्यक हो तो वो अपने उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन क्लासरूम में कोई भी शिक्षक या विद्यार्थी अपने मोबाइल का कोई उपयोग नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पढ़ने और पढ़ाने का जब समय है उसमें अगर आप मोबाइल यूज करोगे तो मैं समझता हूँ वो सही बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाओ। तो सरकार को सख्ती के साथ एक्शन लेना पड़ा कि आप कक्षा कक्ष में पढ़ाते वक्त किसी प्रकार का मोबाइल टीचर नहीं करेंगे, किसी भी रूप में नहीं करेंगे, न अपने पास में रखेंगे। इसलिए करना पड़ा कि कुछ शिक्षक क्लास में मोबाइल रखते थे तो जो मोबाइल करने वाला व्यक्ति है उसको क्या पता कि वो कहाँ है क्या नहीं है, तो वो उसमें मोबाइल पे करता रहता था तो वो डिस्टर्ब हो रहा था, न बच्चे से ही पढ़ पाते थे और न अध्यापक से ही पढ़ा पाता था। इसलिए हमने बहुत पहले इस तरीके के निर्देश जारी कर दिए थे। अब इसको सख्ताई से पालन करने का हमने विभाग में निर्देश दिए हैं कि कोई भी शिक्षक या विद्यार्थी स्कूल समय में किसी तरीके से पढ़ते और पढ़ाते वक्त कोई मोबाइल का प्रयोग नहीं करेगा।